गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि एक कहानी आपकी रह गई है सच्चा मित्र, और उसके बाद सिलेबस जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का वो हम बताएंगे, और उसके बाद फिर समर असाइनमेंट जो है वो बताएंगे क्या है और कैसे करेंगे और किस कॉपी में करेंगे। तो पार्ट 11 में आपकी एक पहली कहानी है सच्चा मित्र, जहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है उनके बीच में कुछ चित्र बने हुए हैं। कहानी ऐसे तो जो लिखी है वो बड़ी है, पर इसको मैं अपने शब्दों में लिख के आप लोगों को आज पोस्ट कर दूंगी, तो आज आप लिख लीजिएगा तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और आप जल्दी याद कर लेंगे उसको, ठीक है। तो मेरे साथ दो हम लोग रीडिंग करेंगे, टू टाइप्स। गंगा किनारे जामुन का एक पेड़ था, उस पर मिट्टू नाम का एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी भी अपने परिवार के साथ रहती थी। धीरे धीरे तोते और चींटी में दोस्ती हो गई। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। तोते ने चींटी से कहा, दोस्त जल्दी से परिवार लेकर पेड़ पर चढ़ जा। चींटी के परिवार के सभी सदस्य तो पेड़ पर चढ़ गए, परंतु वह फिसल कर नदी में गिर गई। तोते ने तुरंत पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। चींटी धीरे धीरे उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता पानी के साथ बहकर किनारे लग गया। तोते ने और पत्ते चींटी के पास गिरा दिए। चींटी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चढ़ते हुए पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई। इस प्रकार चींटी की जान बच गई। शिक्षा, संकट के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए। एक बार फिर से हम लोग रीडिंग करते हैं, सच्चा मित्र, पार्ट 11। गंगा किनारे जामुन का एक पेड़ था, उस पर मिट्टू नाम का एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी भी अपने परिवार के साथ रहती थी। धीरे धीरे तोता और चींटी में दोस्ती हो गई। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। तोते ने चींटी से कहा, दोस्त जल्दी से परिवार लेकर पेड़ पर चढ़ जाओ। चींटी के परिवार के सभी सदस्य तो पेड़ पर चढ़ गए, परंतु वह फिसल कर नदी में गिर गई। तोते ने तुरंत पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। चींटी धीरे धीरे उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता पानी के साथ बहकर किनारे लग गया। तोते ने और पत्ते चींटी के पास गिरा दिए। चींटी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चढ़ते हुए पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई। इस प्रकार चींटी की जान बच गई। और इसका शिक्षक, जिसे इंग्लिश में आप लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं, वो है, संकट के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए। जब भी आप कहानी याद करेंगे तो शिक्षा जरूर याद करेंगे और शिक्षा लिखेंगे भी कहानी में। अगर आप शिक्षा नहीं लिखेंगे तो आपका जब कहानी लिखेंगे तो वो अधूरी कहलाएगी और नंबर कट जाएगा आपका। तो ये समझ में आ गई। एक बार इसको मैंने शॉर्ट करके जो लिखी है कॉपी में, मैं वो भी आप लोगों को बुलवा देती हूँ। कहानी सच्चा मित्र, ये कहानी जो मैंने लिखी है, यही कहानी मैं आप लोगों को आज पोस्ट करूंगी, तो आप लोग अपना कॉपी में काम कर लीजिएगा। गंगा किनारे जामुन के पेड़ पर एक मिट्ठू तोता अपने परिवार के साथ रहता था, और पेड़ के नीचे चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। तोते ने चींटी को परिवार सहित ऊपर पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। तभी सभी ऊपर चढ़ गए, पर चींटी फिसल कर पानी में गिर गई। तोते ने तुरंत पानी में पत्ता डाला, जिस पर चढ़कर वह पानी के किनारे आ गई। इस प्रकार तोते ने चींटी की जान बचाई। शिक्षा,
संकट के संकट में मित्र की मदद करनी चाहिए। ये आपकी कहानी है, ये मैं पोस्ट करूंगी, आप इसको लिखिएगा, यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म होता है। अभी मैं आपको सिलेबस भी लिख के बताती हूँ। कहानी है सच्चा मित्र, इसके बाद पार्ट 12 है निबंध। और है पार्ट 14 हिंदी गिनतियां, हिंदी गिनती। एक से 30। देखिए पार्ट 1, 2, 3, 4, पार्ट 11, 12, 14, ठीक है। पार्ट 1 है भाषा तथा इसके रूप, पार्ट 2 है वर्ण शब्द और वाक्य, पार्ट 3 है संज्ञा और पार्ट 4 है वचन। इसको हम लोग ने कर लिया है और बुक में भी एक्सरसाइज कर ली है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बुक की सारी एक्सरसाइजेस मैंने इसी पे ब्लैक बोर्ड पे कराई है और इन चारों लेसन्स में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ बुक से मैंने बना के आप लोगों को पोस्ट किया था जो आप लोगों ने कर लिया होगा। और हर लेसन से कुछ कुछ मैंने एक्सरसाइजेस भी एक्स्ट्रा कराई हैं जो आप लोगों ने कॉपी में कर ली होंगी। और पार्ट 11 कहानी है सच्चा मित्र, पार्ट 12 है निबंध 1 दीपावली, और पार्ट 14 है हिंदी गिनतियां 1 से 30 तक। तो हिंदी गिनतियां भी, पार्ट 14 हिंदी गिनतियां भी मैंने करा के समझा के पोस्ट कर दिया था जो आप लोगों ने लिख लिया होगा। और पार्ट 12 निबंध दीपावली भी मैंने समझा दिया था जो आप लोगों ने लिख लिया होगा, पोस्ट कर दिया था, ये भी आज हम पोस्ट कर देंगे और आप लोग इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये आपकी लास्ट क्लास है अभी फिलहाल के लिए, गर्मी की छुट्टी के बाद फिर आपको जो जैसा होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कैसे कैसे क्लासेस हैं, कब से हैं। और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, पार्ट 1, 2, 3, 4, पार्ट 11, 12, 14। पार्ट 1 है भाषा तथा इसके रूप, पार्ट 2 है वर्ण शब्द और वाक्य, पार्ट 3 है संज्ञा, पार्ट 4 है वचन, पार्ट 11 है कहानी, पार्ट 12 है निबंध दीपावली, और पार्ट 14 हिंदी गिनतियां 1 से 30 तक। ठीक है, अब मैं आप लोगों का समर असाइनमेंट बताती हूँ।
हिंदी वन में। चार त्योहारों के चित्र चिपका कर नाम लिखें। और दूसरा है चार फूलों के चित्र चिपका कर नाम लिखे। हिंदी वन में आपको मैंने दिया है भारत के चार त्योहारों के चित्र चिपका कर नाम लिखे और चार फूलों के चित्र चिपका कर नाम लिखें। ठीक है, बहुत ही इजी है। आपके पास क्लास वन की हिंदी की, जीके की और ईवीएस वगैरह की बुक होगी तो उसमें से आराम से आपको ये चित्र मिल जाएंगे। सिर्फ चार ये हैं और चार ये हैं। चार महापुरुष में गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और वल्लभ भाई पटेल हैं, बहुत सारे हैं जो इनके चित्र आप चिपकाएंगे कॉपी में और नाम लिखेंगे। तो और चार फूलों के चित्र चिपका कर नाम लिखेंगे। तो जब आप करेंगे इसको तो मैं बता देती हूँ। पेज खोलेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे हिंदी वन और यहाँ पे समर असाइनमेंट 2020-21 लिखेंगे और फिर यहाँ पर त्योहारों के चित्र लिखेंगे और 1, 2, 3, 4 एक ही पेज पे चार पिक्चर्स लगाएंगे और उनके नीचे जैसे दिवाली का है तो दिवाली का नाम, क्रिसमस है तो क्रिसमस लिखेंगे, ईद है तो ईद लिखेंगे, दशहरा है तो दशहरा लिखेंगे। फिर दूसरा पेज खोलेंगे और यहाँ पर फिर चार फूलों के नाम लिखेंगे और चार फूलों के चित्र चिपका कर उनके नीचे गेंदा, गुलाब, गुड़हल या सूरजमुखी जो भी चित्र चिपकाएंगे उसके नाम आप लिखेंगे। अब मैं आपको हिंदी टू का लिख रही हूँ, हिंदी टू का भी बता दूँ।
अभी मैंने जब मैं आप लोगों को समझाया था तो गलती से मैंने हिंदी वर्ण में पुरुषों का था आपका, अब हिंदी वर्ण में त्योहारों का है तो त्योहारों के चित्र बनाइएगा, और उसके बाद हिंदी वर्ण में और फूलों के, और हिंदी टू का ये है चार महापुरुषों के चित्र। उसी तरीके से जब फिर दूसरा खोलेंगे तो आप दूसरे में भी हिंदी टू लिखेंगे और यहाँ समर असाइनमेंट लिखेंगे और चार महापुरुषों के चित्र चिपकाएंगे एक ही पेज पे, उनके नाम लिखेंगे और फिर पेज पलट के राष्ट्रीय फल ऐसे लाइन से चिपकाएंगे, राष्ट्रीय फल का चित्र यहाँ लिखेंगे नाम, राष्ट्रीय फूल का फिर यहाँ नाम लिखेंगे और फिर राष्ट्रीय पक्षी का और यहाँ नाम लिखेंगे। हिंदी वन हिंदी टू दोनों का काम आपको हिंदी वन की ही कॉपी में करना है, अलग अलग कॉपी में नहीं करेंगे। हिंदी वन में आपने काम किया, हिंदी वन में हिंदी वन डालेंगे, हिंदी वन का चित्र चिपकाएंगे, जब खत्म हो जाएगा तो हिंदी टू लिखेंगे उसी कॉपी में, सेम हिंदी वन की ही कॉपी में करना है, तब हिंदी टू लिख के हिंदी टू का काम करेंगे। और ये काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप लोगों को नंबर मिलता है। और बहुत सुंदर तरीके से कटिंग करेंगे पेरेंट्स की हेल्प लेके, उसको पेस्ट करेंगे और नाम लिखेंगे। और राष्ट्रीय फल आप सबको मालूम है आम, राष्ट्रीय फूल सबको मालूम है और राष्ट्रीय पक्षी भी सबको मालूम होगा। और इनके चित्र जो हैं वो आपको क्लास वन की आपके पास बुक पड़ी होगी जीके की, SUPW की, EVS की, हिंदी की, उसमें आपको मिल जाएगा। ज़्यादा मैंने नहीं दिया है ताकि आप छुट्टियों के एंजॉय भी कर सके, और जितना लिखवाया है हिंदी वन में उसको बाय हार्ट लर्न करिएगा विद स्पेलिंग मात्राओं के साथ। और यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है जो मैंने बता दिया है, और मैंने ये समर असाइनमेंट है जो मैंने आपको समझा दिया है, दोनों समर असाइनमेंट हिंदी वन की ही कॉपी में करना है। बस हिंदी वन में हिंदी वन का नाम लिख के करेंगे और हिंदी टू का डाल के फिर हिंदी टू का काम करेंगे। और तब तक के लिए बाय।